जिला कोरोना मामले में अब तक सबसे सेफ जिलों में शामिल था, मगर अब यहां पर भी चार मरीज सामने आने पर शुरुआत हो चुकी है। जालौर सरकार ने जैसे ही प्रवासी लोगों को अपने अपने जिलों में आने की छूट दी, उसके साथ ही अब कोरोना मरीजों की संख्या में भी बढ़त देखने को मिली है। ऐसा ही मामला जालौर जिले में सामने आया है। अब तक एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिलने के कारण ग्रीन जोन में चल रहे जोधपुर संभाग के जालौर जिले में बुधवार को एक साथ चार लोग पॉजिटिव मिल गए। इनमें से तीन प्रवासी लोग हैं और चौथी एक महिला सीकर से जालौर में ANM के पद पर नियुक्ति देने आई थी। जालौर में कोरोना के मामले सामने आते ही हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए दो गांवों में कर्फ्यू लगाकर उनकी सीमा सील कर दी है। जालौर जिले में सायला तहसील के वीराना गांव में दो जने आज जोधपुर से मिली जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए। ये दोनों अहमदाबाद से हाल ही लौटे थे। इसके अलावा आहोर तहसील के रायतल गाँव का एक प्रवासी व्यक्ति पॉजिटिव निकला, ये सूरत से अपने गाँव लौटा था। इन तीन के अलावा सीकर से ANM पद पर नियुक्ति देने पहुंची एक महिला भी पॉजिटिव पाई गई है। इन चारों के प्रशासन ने रैंडम सर्वे के आधार पर सैंपल लेकर जोधपुर भेजे थे। जालौर में कोरोना का खाता खुलने के साथ ही प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया। रायथल व वीराना गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही इन चारों की कांटेक्ट हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। इनके संपर्क में आए लोगों व परिजनों का क्वारंटाइन किया जा रहा है। इनमें से कई लोगों के सैंपल लेकर जोधपुर भेजे जाएंगे। प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी और कोरोना की शुरुआत। प्रवासी श्रमिकों के घर वापसी के साथ ही गाँवों में कोरोना फैलने, जबकि 1.5 लाख लोग आने शेष है। फिलहाल जालौर के कुछ इलाकों में चार कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन ने एहतियात बढ़ाना शुरू कर दिया है।